हेलो वेलकम टू माय जावा ट्यूटोरियल इस ट्यूटोरियल में हम रिजर्व वर्ड्स के बारे में बात करेंगे प्रोग्रामिंग इज़ वेरी इजी ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर सम इंटरनल प्रोसेस और रिप्रेजेंट सम प्री डिफाइंड एक्शंस दीज वर्ड्स आर देयर नॉट अलाउड टू यूज एज एन आइडेंटिफायर जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करा था कि हम रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के लिए रिजर्व वर्ड्स आर ऑलवेज रिटर्न इन लोअर केस इन जावा देयर आर 53 रिजर्व वर्ड्स और रिजर्व वर्ड कौन कौन से हैं तो जो रिज़र्व वर्ड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं एक जो होते हैं कीवर्ड्स और दूसरे जिन्हें हम बोलते हैं लिटरल्स जैसे कि जब हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था तब हमने लेटरल्स के ऊपर भी डिस्कस करा था कि लेटरल्स क्या होते हैं लेटरल्स आर द वैल्यूज अगर हम कीवर्ड की बात करें तो कीवर्ड दो टाइप के होते हैं यूज कीवर्ड्स एंड अनयूज कीवर्ड जो यूज कीवर्ड्स हैं ये टोटल 48 एट की हैं अगर हम अनयूज की की बात करें तो ये दो की हैं जिसमें हम यूज करते हैं गो टू और कॉन्स्टेंट सी ओ एन एस टी अगर हम लेटरल्स की बात करें तो ये हैं थ्री जिसमें हैं ट्रू फॉल्स एंड नल तो 48 एट एंड टू फिफ्टी एंड थ्री फिफ्टी तो टोटल जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो कितने हैं जावा में 53. अब ये जो 48 एट यूज की वर्ड्स हैं ये कौन कौन से हैं इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो अगर हम डेटा टाइप की बात करें बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल केयर एंड बुलियन ये सारे के सारे क्या हैं दीज आर द यूज की तो ये टोटल कितने हो गए ये टोटल हो गए एट अगर हम बात करें कंट्रोल फ्लो की तो उस केस में हम क्या यूज़ करते थे इफ़ एल स्विच केस डिफॉल्ट फॉर वाइल डू रिटर्न ब्रेक कंटिन्यू ये टोटल कितने हो गए इलेवन अगर हम बात करें मॉडिफायर्स की तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड स्टैटिक फाइनल स्ट्रिक्ट एफ पी सेंक्रोनाइज जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर यूज़ करते हैं जेड की जगह एस आपको जो मेन याद रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पर एस नहीं आता है, यहाँ पर आता जेड सिनक्रोनाइज के अलावा एब्स्ट्रैक्ट नेटिव ट्रांसेंट एंड वोलाटाइल तो टोटल मॉडिफायर हो गए 11 इसके अलावा अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम सीखेंगे तब हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच फाइनली थ्रो थ्रोस एंड एसर्ट ये टोटल सिक्स कीवर्ड्स हैं जो एसर्ट है ये एसर्शन के लिए यूज़ होता है अगर हम क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में बात करें तो क्लास इंटरफेस एक्सटेंड्स इम्प्लीमेंट्स इम्पोर्ट पैकेज ये टोटल सिक्स कीवर्ड्स हैं अगर हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड बात करें तो न्यू दिस सुपर इंस्टेंस ऑफ ये टोटल फोर कीवर्ड्स हैं इसके अलावा अगर हम रिटर्न टाइप की बात करें तो यहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड ये भी एक तरह का कीवर्ड है इसके अलावा अगर हम इनम्रेशन की बात करें तो अब हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एन तो अगर आप इन सबको सम करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 48 तो दीज आर द 48 एट यूज कीवर्ड्स अब इसमें जो स्ट्रिक्ट एफ है वो इंट्रोड्यूस हुआ था जावा वन वर्जन में जो एसर्ड था ये इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.4 वर्जन में और जो इनम है ये इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.5 वर्जन में तो होप इस ट्यूटोरियल में आपने ये चीज़ें समझी होंगी कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं और रिजर्व वर्ड कौन कौन से होते हैं अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व वर्ड्स एंड की वर्ड्स तो आपको ये बताना है की वर्ड इज अ सबसेट ऑफ रिजर्व वर्ड्स होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट लर्न टू डॉट कॉम स्लैश डॉट पी एच पी हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू